बोल सकते हो कि आप यूरोप वाली फील आ गया, आप चलोगे वॉक करोगे। और आप देख सकते हो यहाँ पर क्या मस्त व्यू है भाई। इस तरह के अगर शोरूम है तो इसका जो मे भी रेंट होगा ना 15 लाख अबव चला जाता है। दोस्तों क्या हाल चाल, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दोस्तों द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफिस प्लेस इन द वर्ल्ड। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लो काफी मतलब चहल पहल है, आप देख लो यहाँ पर तो लोग काफी बैठे हुए हैं। इस तरह से सीटिंग एरिया बनाया गया और ये काफी मतलब यहाँ पर रश वाला जो है ना ये ब्लॉक है, काफी लोग यहाँ पर रहते हैं, काफी ज्यादा हलचल है इस ब्लॉक में। भाई आप अगर न्यू आते हो ना यहाँ पर तो अब काफी सिमिलरिटी सी फील होगी और काफी भाई एक जैसा ही लगता है देखने में। तो मतलब अगर आप रेगुलर नहीं आ रहे हो पक्का आपको यहाँ पर जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। इस साइड भी सेम जो इस तरह के पिलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, सेम दो मंजिला इमारतें देखने को मिले। और इस साइड भी आप देखोगे तो इस साइड भी देख लो, इस साइड भी दो मंजिला इमारतें और जो भी नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड है उसकी यहाँ पर जो आउटलेट्स शोरूम देखने को मिल जाती है, आप उस साइड भी देख लो। और काफ़ी ज़्यादा कितना शानदार लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको सिमिलर लगेगी, मतलब इससे काफ़ी हो बहु मतलब आप बोल सकते हो कि काफ़ी फॉरेन वाली फील आएगी, बोल सकते हो कि आप यूरोप वाली फील आ गया। आप चलोगे वॉक करोगे देख सकते हो यहाँ पर। और बेसिकली ये जो था इनर ब्लॉक था और इस साइड जो जाएंगे तो आपको आउटर ब्लॉक मिल जाएंगे। फिर मैं आपको इस लास्ट वाली जो ब्लॉक है ना उसको दिखा देता हूँ, बाकी आप देख सकते हो भाई क्या मस्त नज़ारा है भाई, ऑसम। क्या हो रहा है हम भी तो देखें भाई आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस वगैरह हो रहा है भाई, फॉरेनर वगैरह है, क्या है बेसिकली। हेलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा भाई, हाउ आर यू ऑल, और कुछ भाई मेकिंग व्लॉग या ब्रो व्लॉग, कुछ रिलीजियस जो यहाँ पर गीत वगैरह हो रही है भाई। पर स्क्वायर फुट में जो है ना इसका $100 में जो है इसका पर स्क्वायर फुट का जो है रेंट यानी एनुअली जो है इसका रेंट है। तो मान लो कि इस तरह के अगर कुछ देख लो यहाँ स्केचर्स के यहाँ पर शोरूम है, तो इस तरह के अगर शोरूम है तो इसका ना इतनी बड़ी शॉप है आप देख ले, पर मैं आपको दिखा दूँ। और इसका जो मे बी रेंट होगा ना एनुअली अगर बोले तो भाई यहाँ पर मतलब 15 लाख अबव चला जाता है या अंडर में आता है। पर आप मान लो मंथली अगर बोले ना तो मंथली इसका जो रेंट है वो 1 लाख के अबव रहता है भाई। इस तरह की शॉप से आप देख रहे हो तो इसका 1 लाख भाई काफ़ी ज़्यादा होता है, आप देख लो इस तरह की होती तो इसका रेंट 1 लाख रुपया होता है। तो सबसे जो नंबर एक पर है ना जो मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफिस प्लेस इन द वर्ल्ड में वो भाई रैंक करता हांगकॉन्ग का जो है, हांगकॉन्ग करता सिटी। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है वो अपना न्यूयॉर्क है। और उसके बाद रैंक करते करते मतलब ये टॉप 10 के में अपना जो है कन्नौट प्लेस दिल्ली भी आ जाता है ये एरिया। कन्नौट प्लेस को जो बनाने की जो काम की गई थी वो बेसिकली अंग्रेज़ों के द्वारा हुई थी 1911 में, जब अंग्रेज़ों ने जो है अपना कैपिटल जो शिफ्ट किया था कोलकाता से दिल्ली, तो उन्होंने जो है यहाँ पर जो है उनको एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ये थी, उनको एक शॉपिंग हब चाहिए थी जहाँ पर सारी जो है सुख सुविधा की जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर मतलब डेली लाइफ की अवेलेबल हो चीज़ें। और तो इसलिए जो है कन्नौट प्लेस को जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी वो 1929 में स्टार्ट की गई थी कंस्ट्रक्शन। और 1933 में मतलब 4 साल की मेहनत से जो करीब मेहनत में जो है इसे बना ली गई थी। और आप देख सकते हो यहाँ पर क्या मस्त व्यू है भाई, इस साइड आप देख लो क्या शानदार व्यू। तो इस तरह की जो है कन्नौट प्लेस तैयार हो गई थी 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद। तो गाइस अभी शाम हो चुकी है, सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफिस प्लेस या एरिया बोल सकते हो इन द वर्ल्ड, और इंडिया की तो है ये सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव। वीडियो करते हैं यहाँ पर अंत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एट लास्ट, सी यू नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल।